नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारी थोड़ी समस्या हाथ वाली हो जाती है, इसलिए कभी कभी वीडियो बनाने में बहुत समस्या होती है। पेन तो अभी भी है, पर दवाई खाई हूँ तो कुछ हद तक खड़ी हो सकती हूँ। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पाल कला डिस्कस करेंगे। हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मौर्य कला और पटना कला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाल कला। पाल कला को देखते हैं। पाल कला, इसमें भी हमें वही प्रस्तावना लिखनी होगी, किस प्रकार की कलाएं हैं, क्या क्या उनकी सीमाएं हैं और निष्कर्ष क्या है। प्रस्तावना में हम लिख देंगे कि ये 8वीं से 12वीं शताब्दी की कला है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस कला का विकास हुआ। धीमन और बीतपाल दो नाम, ये दो नाम हैं जो प्रमुख कलाकार हैं पाल कला के, और राजा धर्मपाल और देवपाल के ये कलाकार समकालीन हैं, और इन्होंने ही पाल कला को, धर्मपाल और देवपाल ने काल कला को बहुत प्रश्रय दिया और पाल कला इन्हीं के काल में अपने शिखर तक पहुंची। किस किस तरह की कला है? तो कला स्थापत्य कला भी दिखती है, मूर्ति कला भी है, मृदभांड कला है, चित्र कला है, भित्ति चित्र है। सभी तरह की कला स्पष्ट होती है। हम देख लेते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? स्थापत्य कला में आपके स्तूप आ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे, चैत्य आ जाएंगे, गुफाएं आ जाएंगी, महाविहार आ जाएंगे, ये सब आपके स्थापत्य कला में आएंगे। और स्थापत्य कला इस समय बहुत ऊंचाइयों पर थी। बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों की स्थापत्य कला पाल कला में दृष्टिगत होती है। जैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास भी बनवाए गए, वो भी स्थापत्य कला में आएंगे। अनेक प्रकार के स्तूप बनाए गए, बौद्ध महाविहार बनाए गए, जिसमें कहलगांव का एक गुफा मंदिर है वो भी बहुत फेमस है, वो भी पाल कला का ही है, आप उदाहरण दे सकते हैं। गया का जो विष्णु पर मंदिर का अर्ध मंडप है वो भी पाल कला का ही उदाहरण है। आप इन्हें स्थापत्य कला के उदाहरण में मेंशन कर सकते हैं। सूरजगढ़, जयमंगलगढ़ आदि जगह से भी इनके प्रमाण मिलते हैं, तो आप इन्हें लिखते जाइएगा। ये जो उदाहरण मैं बोल रही हूँ ये उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। अगला है मूर्ति कला। मूर्ति कला का भी बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है पाल कला में। जैसे उस समय पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। कांसे की मूर्तियां बनाने में पालकालीन जो कलाकार थे उन्हें महारत हासिल थी। जैसे धीमन और बीतपाल जो थे ये इस तरह की कला बनाते थे, ऐसी कला में इनको महारत हासिल थी कि ये ढलाई करते थे, कांसे की मूर्तियों को ढाल के बनाते थे, यानी कि कांसा पिघला के जो मूर्तियां ढाली जाती हैं उस तरह की ढालने की कला इन दोनों कलाकारों को पता थी। और विष्णु, बलराम अधिक धार्मिक मूर्तियां इन लोगों ने ढाली थी कांसे की। पालकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं भी मिलती हैं, लेकिन प्रस्तर प्रतिमाओं में अग्रभाग ही दिखाई देता है, आगे आगे का भाग है, पीछे पूरी मूर्ति नहीं है, पीछे से सपाट रहता है, खाली अग्रभाग को मूर्ति में ढाला गया है। और उसमें बहुत सुंदर कलाकृतियां हैं, सौंदर्य को, शारीरिक जो सौंदर्य है उसको बहुत महत्व दिया गया है। अगला है मृदभांड कला। मृदभांड कला होती है जो बर्तनों पर या फिर इस तरह का जो छोटी छोटी कलाएं होती हैं वो मृदभांड कला होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है अक्सर। तो ऐसे में धार्मिक मूर्तियां भी मिलती हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है एक तख्ती पर बैठी स्त्री का, जो अपने हाथ में आईना लिए है और खुद को ऐसे निहार रही है। ये अप्रतिम उदाहरण है पाल कला की मूर्ति कला या मृदभांड कला का। शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें आभूषणों को भी बहुत महत्व दिया गया है। चित्रकला में भी दो तरह की चित्रकलाएं दिखती हैं, पांडुलिपि और दूसरा दीवारों पर, वही भित्ति चित्र आ जाएंगे जो दीवारों पर निर्मित है। पांडुलिपि जो बनी
वो पांडुलिपियां जैसे लिखित रूप में कुछ चित्रकारी होती थी, जैसे ज्यामिति आकार की ऐसे 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 करके ऐसे बना दिए जाती थी पहले, ऐसे कुछ कुछ इस तरह से दिखती थी ना, ज्यामिति चित्र भी कहते हैं। और पांडुलिपि की जो संग्रह है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा हुआ है। और इन्होंने रंग किस तरह की यूज किए थे, तो प्राथमिक रंगों में जो इन्होंने यूज किया था वो लाल नीला काला और सफेद, लाल नीला काला और सफेद रंग इन्होंने प्राइमरी रंगों में यूज किया था। और उसके सहायक रंगों के लिए हरा बैगनी हल्का गुलाबी और धूसर रंग, हरा बैगनी हल्का गुलाबी और धूसर रंगों का प्रयोग सहायक रंगों के रूप में किया था। अनेक भित्ती चित्र हैं जो अजंता की जिन पर छाप दिखती है, जैसे अजंता में है उसी तरह के हैं क्या, जैसे दीवार के कोई चबूतरा है उसमें उसकी जो नीचे की, जैसे ये चबूतरा है और ये दीवार है, ये इधर चबूतरा है, तो इस दीवार पर जो चित्र बने हैं वो ज्यामिति है। ज्यामिति जैसे मैंने अभी बताया ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे फूल खिले हैं उनमें, या फिर ऐसे करके जो बनते हैं ये ज्यामिति चित्र होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यामिति का आकार लिया जाता है, जैसे ये त्रिभुज टाइप से ऐसे बने, इस तरह के आकार आपको दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह की इतनी तरह की कलाएं पाल कला में दिखाई देती हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कलाकार बहुत सीमित है, दो ही कलाकारों का नाम हमारे सुनने में आता है, धीमन और बीतपाल। अन होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर दो ही लोगों का नाम पता चलता है। इससे ये भी समझ में आता है कि शायद इन राजाओं ने इनके अलावा और किसी को प्रश्रय नहीं दिया होगा, इसीलिए इनको ज्यादा महत्व दिखाई देता है, या इन्होंने इनके पास जो कला थी वो इन्होंने औरों को सिखाई नहीं होगी, तो ये सीमित कलाकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनकी जो कांस्य कला थी, जो ढालने की कला थी, वो आगे भी बहुत नहीं जा पाती, क्योंकि ये उस चीज को सिखाते नहीं है, या इन्हीं दो का नाम आता और किसी को नहीं आती होगी, या फिर राजाओं का प्रश्रय नहीं रहा होगा, इस तरह से। चित्रकला के भी चित्र कम दिखते हैं, स्थापत्य और मूर्ति कला बहुत बेजोड़ है, प्रस्तर कला में भी कुछ ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, पत्थरों की भी बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं दिखाई देती। और गुप्तकालीन जैसा यहाँ सहज सौंदर्य भी नहीं है, यहाँ आभूषणों की अधिकता दिखाई देती, आभूषणों से लाभ दिया गया हो, जैसे आभूषणों से लदा हुआ नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे आभूषणों से लाद दिया गया है, तो अधिक अलंकरण अधिक आभूषण होने से उसकी जो सहज सौंदर्य है वो खत्म हो जाता है, तो ये भी यहाँ एक कमी थी। और मौर्यकालीन जो जो चमकदार पॉलिश थी वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई देती, चमकदार पॉलिश जो मौर्य काल में थी उसका यहाँ अभाव दिखता है। इन सब के बावजूद भी, इन सीमाओं के बावजूद भी, पाल काल में जिस कला शैली का जन्म हुआ उसे हम मध्यकालीन पूर्व कला शैली कहते हैं, या पूर्व शैली कहते हैं, जैसे द्रविड़ शैली और गांधार शैली थी, ऐसे ये पूर्व शैली कहलाती है। और इसका इसकी छाप तिब्बत के कई बौद्ध मठों में दिखाई देती है, नेपाल के बौद्ध मठ में दिखाई देती है, कई जगह इसकी वो दिखाई देती है, जैसे विक्रम शिला बौद्ध विहार इसी का बनाया हुआ है। और इसके जो पाल कला की जो अवशेष हैं वो नेपाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थित हैं, कला भवन में काशी में स्थित है, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में स्थित है, कई जगह इनको सुरक्षित किया हुआ है, तो आगे भी हमें ये देखने को मिल सकता है और इसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था पाल कला से रिलेटेड, नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे और बुक में भी लिखा होता है, पर एक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, अपने मन से भी लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या देना है, एक खाका अपने दिमाग में रखिए कि सबसे पहले प्रस्तावना देना है, प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है कि 8वीं सदी से लेके 12वीं शताब्दी तक का पाल कला का विकास होता है, और बिहार में अन्य कलाओं की तरह पाल कला भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है,
और उसके प्रमुख जो कलाकार थे उसमें धीमन और बीतपाल का नाम आता है। और ये दोनों पिता पुत्र थे जो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। और धर्मपाल और देवपाल ने इन कलाकारों को प्रश्रय दिया और पाल कला का विकास हुआ। आगे ग्राफ बना देंगे कि ये बना देंगे ग्राफ में कि पाल कला में कितने तरह की कलाएं हैं, फिर आप बता देंगे स्थापत्य में जैसे गुहा विहार स्थापत्य और ये सारे मंदिर वंदिर का उदाहरण दे देंगे। मूर्ति कला में आप मूर्तियां बता देंगे, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र में मैंने जैसे बताया ये सब, ये बताते हुए फिर कुछ सीमाएं बता देंगे कि जैसे सहजता नहीं है, अलंकरण अधिक है, बीतपाल और धर्मपाल धीमन के अलावा हमें किसी का नाम नहीं पता, मतलब कम कलाकारों को प्रश्रय मिला, और चित्रकला और प्रस्तर कला भी बहुत मजबूत नहीं है, ढालने की जो प्रवृत्ति इन लोगों को पता थी वो इन्होंने किसी के साथ आगे नहीं बढ़ाया, तो ये कुछ कमियां होती हैं। इन सबके बावजूद भी पाल कला का एक उत्कृष्ट कला है जो हमारी अप्रतिम धरोहर है, बिहार के लिए तो गर्व का विषय है ये। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, अगर आपको सही लग रहा हो, पसंद आए तो इसे आगे भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।